सुबह का 9:17 हुआ है और टेम्परेचर 40+ क्रॉस कर चुका है। आज है दिन रविवार और तारीख है 9 जून 2019। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं शेखर त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवलर शेखर। गाइस सुबह का अभी 10 भी नहीं बजा है और टेम्परेचर 40+ क्रॉस कर चुका है। अगर पिछले 4-5 दिन की बात करें तो टेम्परेचर 45 रहा है और कल मंडे 10 जून 2019 को टेम्परेचर 47 डिग्री पहुंचने वाला है नोएडा के अंदर। दोस्तों अब वो टाइम आ गया है जब हम लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ा है और अगले कुछ सालों के अंदर भी टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जिसमें 5-6 डिग्री की इंक्रीमेंट होने वाला है टेम्परेचर के अंदर। और अभी मैं पहुंच गया हूँ सेक्टर 57 के पार्क में और आप देखिए यहाँ पर कितना जंगल फैला हुआ है, कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं अपने घर से तो आपको यहाँ पर आकर के किसी भी टाइम अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 3-4 डिग्री का फर्क पड़ जाएगा आपको। यहाँ पर आने के बाद में 3-4 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और पेड़ों का अगर हम बात करें तो पेड़ों से क्या होता है कि इवेपोरेशन जब होता है तो ये जो होते हैं वाटर वेपर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर में 10 डिग्री फॉरेनहाइट का फर्क पड़ सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि 1 एकड़ पेड़ अगर हम तैयार करते हैं तो 1 साल के अंदर 18 लोगों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो 1 एकड़ पेड़ों से मिल जाती है हमें। काफी सारे थे मेरे पास में और काफी सारे लोगों ने पर्सनली फोन करके भी बोला कि भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि काफी समय से मैं वीडियोस नहीं बना पाया, अराउंड 2 मंथ हो गए हैं जब से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है चैनल पर। तो अभी जो हमारी नई सीरीज होने वाली है उसमें काफी मजा आने वाला है, एक नई डेस्टिनेशन पर हम चलेंगे जो हमने डिसाइड किया हिमाचल के लिए कि हमें हिमाचल जाना है। लास्ट टाइम हम गए थे उत्तराखंड, तो अगली जो हमारी सीरीज होने वाली है उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत सारे एडवेंचर्स होंगे उसके अंदर और आप लोग काफ़ी इंजॉय। इससे पहले मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस ट्रिप को लेकर के, जो मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों आपको तो पता ही होगा जो पहली वाली हमारी सीरीज थी चोपता और तुंगनाथ की, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा करके उसको देख सकते हैं। चोपता तुंगनाथ की जो हमारी सीरीज थी उसमें मेरे साथ में मेरे 2 दोस्त और थे, केडी और विशाल। तो केडी का मानना है कि हमें अगर हिमाचल जाना है तो हमें काजा और स्पीति वैली की ट्रिप करनी चाहिए, और विशाल बोल रहा है कि हमें मैक्लियोडगंज जाना चाहिए, और मेरा कहना है कि हमें खीरगंगा जाना चाहिए। तो अभी हम थोड़ा कंफ्यूजन में हैं, अगले 4-5 दिन में डिसाइड हो जाएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। अगर आपके पास में हिमाचल को लेकर के कोई अच्छा एक्सपीरियंस है और आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके रिप्लाई करना ना भूलें और हमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और बताएं कि हमारी जो ट्रिप है वो कहाँ हमें डिसाइड करनी चाहिए, हिमाचल के अंदर कहाँ जाना चाहिए हमें। वैसे गाइस मैं आपको अपना बता दूँ, मेरी जो इस ट्रिप को लेकर के एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि हम हिल स्टेशन में तो हम जा ही रहे हैं, हिली एरियाज़ के अंदर तो हम जा ही रहे हैं, तो ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी और अच्छे अच्छे रास्ते मिलेंगे बाइक चलाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिनसे थोड़ा एडवेंचर देखने को मिले, थोड़ा मज़ा आए। तो उसको लेकर के अगर हम बात करें तो हमें कुल्लू मनाली अगर हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर रिवर राफ्टिंग मिल जाएगी, और अगर हमें पैराग्लाइडिंग करनी है तो उसके लिए हमें आई थिंक मनाली या गिर जाना पड़ेगा। बंजी जंपिंग करनी है तो उसके लिए हमें डलहौजी जाना पड़ेगा। बातें तो रही जो हमारी नेक्स्ट राइड होने वाली है उससे रिलेटेड, और क्योंकि आज संडे है तो मैं अभी पहुंच गया हूँ नेशनल दलित म्यूजियम, तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर चल करके कि क्या यहाँ पर आने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, क्या आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं जो लोग नोएडा में रहते हैं।
और जो बाहर भी रहते हैं तो क्या यहाँ पर आकर के विजिट किया जा सकता है, और अगर विजिट किया जा सकता है तो यहाँ पर क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है? भूख लगी है और सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है, ये सब चाय पीजिए तो खा लो। दोस्तों ये है दलित स्मारक, नेशनल दलित म्यूज़ियम, और इसके दोनों तरफ, एक तरफ ये राइट साइड में और एक तरफ ये लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ है ग्रीन पार्क। जानकारी के लिए बता दूं, ये जो म्यूज़ियम है ये 14 अक्टूबर 2011 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। जो उस समय की मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की सुश्री मायावती, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, और करीब करीब 82.5 acres के अंदर ये फैला हुआ है। और अगर कॉस्ट की बात करूँ जो इसमें बनाने में लागत आई है, करीब करीब 685 करोड़ रुपये इस स्मारक के ऊपर खर्च किए गए हैं। इस यू नो पार्क, जो ग्रीन पार्क यहाँ पर बनाया गया है, और जो ये पीछे आप म्यूज़ियम देख रहे हैं, इसके ऊपर करीब करीब 685 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दोस्तों अपनी राय आप बताना ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपके हिसाब से ये जो 685 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं टैक्स पेयर्स के, क्या ये सही है क्या ये गलत है, अपनी राय ज़रूर रखना। यहाँ पर आपको हाथी की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, आई डोंट नो वाई, बट कोई राष्ट्रीय पशु तो है नहीं हाथी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आपको हाथी की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। चलो खैर कोई नहीं, हाथी भी है तो एक वन्य जीव ही। तो हरियाली यहाँ पर काफ़ी है देखा जाए तो, इतनी धूप में हरी भरी घास का होना, हरे भरे पेड़ों का होना बहुत अच्छी बात है। अभी आपको पूरा दिखा देता हूँ एक व्यू, सारे में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अच्छे ग्रीनरी है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 43 के ऊपर पहुँच चुका है। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, मैं ये एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो यहाँ की टाइमिंग रखी गई है वो 11 से 5 की रखी गई है, और ख़ास तौर पर इन गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर, अभी अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 11:15 होने वाला है और टेम्परेचर 43 के ऊपर जा चुका है, और आई थिंक 12 बजे के आसपास तक टेम्परेचर 44 और 45 हो जाएगा। तो ऐसी गर्मी में 11 से 5 क्या होगा, मतलब क्या यहाँ पर लोग झुलसने के लिए आएंगे क्या? एटलीस्ट टाइमिंग कुछ ऐसी रखनी चाहिए। और एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि मैं 10:15 के करीब यहाँ पर आ गया था, और 10:15 से 11 बजे हो गया मुझे खड़े खड़े वहाँ पर बाहर, तो इतनी गर्मी में यहाँ पर कौन आएगा? और जो ये देख पा रहे हैं आप ऊपर पीछे जो गुंबद है, डोम जो है पीछे, तो अभी इसकी एंट्री क्लोज है क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले इसमें से कुछ ऊपर से यू नो ऊपर से कुछ गिर गया था किसी के ऊपर, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट टाइप का कुछ हो गया था, तो जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। और कंस्ट्रक्शन इसमें अभी चल रहा है, अंडर मेंटेनेंस है, पता नहीं किस तरीके का बनाया गया है, 2011 में बना है और अभी फिर से टूटने लगा है। Yeah.
desire that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me. पिछली वाली वीडियो देखी है, इसमें करीब इसका जो पीछे में आकृति दिख रही है आपको, इसका राउंड लगाने मुझे करीब 2 मिनट लग गए हैं। सो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं है कि जिससे कि छाँव में बैठा जा चुके, यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं जिससे कुछ थोड़ा ठंडक मिल सके। सो अभी यहाँ से चलते हैं और बात करते हैं रूम पर पहुँच कर। सो गाइस, अभी मैं वापस आ गया हूँ अपने घर पर। और अगर आपको किसी भी वजह से थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को रेड कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर देना। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।